मोबाइल इंटरनेट को अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट करने का दो तरीका है। एक है यूएसबी केबल के थ्रू वायर्ड तरीका, जिसको हम लोग यूएसबी टेदरिंग बोलते हैं, जिसके लिए हमको एक ऐसा यूएसबी केबल का जरूरत पड़ेगा जो कि जनरली आपको आपके मोबाइल के साथ मिल जाता है बॉक्स में। और दूसरा वायरलेस तरीका, जिसको वाईफाई हॉटस्पॉट या मोबाइल हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। सो अगर आप इन दोनों ही तरीके से फैमिलियर हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो नए नए अभी लैपटॉप यूज़र बने हैं और जिनको नहीं पता है कि कैसे अपने मोबाइल इंटरनेट को हम अपने लैपटॉप या पीसी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्स प्रो। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अपने फ़ोन के इंटरनेट कनेक्शन को अपने लैपटॉप में यूएसबी केबल की मदद से यूज़ करने के लिए आपको एक यूएसबी केबल चाहिए होगा, जनरली आपको आपके फ़ोन के साथ ही मिल जाता है बॉक्स में। ये मेरे पास एक दूसरा यूएसबी केबल है। तो अगर आपके पास एक टाइप सी पोर्ट वाला फ़ोन है तो आपको एक टाइप सी टू टाइप ए केबल चाहिए होगा यूएसबी केबल, और अगर आपके पास एक माइक्रो यूएसबी टाइप वाला फ़ोन है तो आपको एक माइक्रो यूएसबी टू टाइप ए पोर्ट वाला यूएसबी केबल चाहिए होगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये क्लियर होना होगा कि आपके फ़ोन का मोबाइल इंटरनेट जो है वो ऑन हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन का मोबाइल इंटरनेट ऑन है। उसके बाद आपको आपके फ़ोन को यूएसबी केबल की मदद से अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करते ही एक ऐसा पॉपअप खुल सकता है, बिकॉज़ हर एक फ़ोन में नहीं खुलता है, ठीक है। तो अब ये रियलमी का फ़ोन है तो इसमें ऐसा पॉपअप खुलता है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। यूएसबी टेदरिंग में हर एक किसी भी ऑप्शन पे सिलेक्टेड हो, यूएसबी टेदरिंग की मदद से आपके फ़ोन का इंटरनेट आपके लैपटॉप में चल पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ स्क्रीन पे कहीं और टैप कर देते हैं और ये पॉपअप बंद हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर आपको अदर वायरलेस कनेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको यूएसबी टेदरिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इसको आप इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन आप लैपटॉप में यूज़ कर पाएंगे। उससे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो लैपटॉप है ये फ़िलहाल नॉट कनेक्टेड है। अगर हम गूगल क्रोम पे जाते हैं तो यहाँ भी अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि गूगल का पेज नहीं खुल रहा है। जैसे ही हम इस यूएसबी टेदरिंग को ऑन करते हैं वैसे ही आप देख पाएंगे कि हमारा लैपटॉप जो है ये इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है और ये ऑटो रिफ़्रेश हो चुका है गूगल का पेज, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटरनेट ओपन हो गया, मतलब गूगल का पेज ओपन हो गया, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया लैपटॉप। सो फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट तरीका है वो एक वायरलेस तरीका है, जिसको हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। तो वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए हमको किसी यूएसबी केबल का ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकाल के हम अलग कर देते हैं और यूएसबी टेदरिंग भी ऑफ हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि फ़िलहाल फिर से हमारा जो लैपटॉप है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अब इसमें डिसकनेक्ट हो चुका है इंटरनेट कनेक्शन इसका। तो अब इसमें हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर से हम चलते हैं अपने फ़ोन पे। तो फ़ोन में आपको जाके फ़ोन के सेटिंग में जाके आपको अदर वायरलेस कनेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट है। ये जो सेटिंग है ये अलग अलग नाम से हो सकता है आपके अलग अलग फ़ोन्स में, अलग अलग ब्रांड के फ़ोन्स में ये अलग अलग नाम से होता है। तो यहाँ पे आपको पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल हॉटस्पॉट नहीं खोज पाते हैं ना, तो आपको जस्ट सेटिंग में आना है और हर एक सेटिंग में जो है आजकल ऊपर में सर्च का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर सर्च भी कीजिएगा हॉटस्पॉट तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हॉटस्पॉट सर्च करेंगे तो भी आप पर्सनल हॉटस्पॉट पर पहुँच जाएंगे वहीं पर। यहाँ पे आपको पर्सनल हॉटस्पॉट को इनेबल करना है। उससे पहले आपको हॉटस्पॉट में कुछ सेटिंग करना पड़ता है, जैसे हॉटस्पॉट का नेम रहता है। सिक्योरिटी में दो तरीका सिक्योरिटी रहता है, एक नन, नन में कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा आपका हॉटस्पॉट। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप WPA2PS के जो पासवर्ड सिक्योरिटी है उसको सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। फ़िलहाल जो ये पासवर्ड है बाई डिफ़ॉल्ट ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं अभी के लिए, बाकी आप थोड़ा सा हार्ड पासवर्ड रखिएगा। इसके बाद आपका जो वाईफाई का बैंड होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट का, ये दो टाइप का बैंड का ऑप्शन आजकल के डिवाइस में मिलने लगा है, 2.4 GHz और 5 GHz। अगर आपका लैपटॉप या पीसी पुराना मॉडल का है तो उसमें 5 GHz बैंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप 2.4 GHz में ही सेलेक्टेड रहने दीजिए। अगर आपका लैपटॉप नया मॉडल है, एकदम लेटेस्ट है, तो हो सकता है कि 5 GHz बैंड भी सपोर्टेड हो, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम 2.4 GHz में ही रहने देते हैं और विजिबल टू अदर डिवाइसेस को इनेबल कर दीजिएगा, नहीं तो आपके लैपटॉप में ये हॉटस्पॉट शो ही नहीं करेगा आपके फ़ोन का। फिलहाल सेटिंग जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारा फ़ोन आप देख सकते हैं कि वायरलेस है एकदम, मतलब किसी भी वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो अब इसको हम यहाँ सेव कर देते हैं और इस पर्सनल हॉटस्पॉट को, जो कि आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पे, इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद हम अपने लैपटॉप में यहाँ पे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन शो करता है यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो वाईफाई फ़िलहाल इनेबल है और यहाँ रियलमी 6 प्रो शो कर रहा है। अगर ये ऑफ़ रहता है इस टाइप से तो आपको इसको ऑन करना है और ये रियलमी 6 प्रो को सर्च कर लेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है और फिर पासवर्ड एंटर कर देना है जो हम लोग सेट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर यस कर देना है। और अब जो है लैपटॉप आप देख सकते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है। गूगल क्रोम को खोलते हैं तो फिर ये ऑटो रिफ्रेश हो गया गूगल का पेज और आप देख सकते हैं कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको नीचे में जो है ना टास्क बार पे आपको इंटरनेट स्पीड भी दिख रहा होगा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का, तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है। फिलहाल अगर आपके टास्क बार पे ऐसा इंटरनेट स्पीड शो नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं कि कैसे टास्क बार पे इंटरनेट स्पीड शो करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो गाइज, आपने देखा दोनों तरीका कि कैसे आप यूएसबी केबल के थ्रू यूएसबी टेदरिंग मेथड से अपने फ़ोन के इंटरनेट को अपने लैपटॉप या पीसी में यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट या वाईफाई हॉटस्पॉट की मदद से वायरलेसली अपने मोबाइल इंटरनेट को लैपटॉप या पीसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो कवर करें तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं तो और उसका रिप्लाई भी करते हैं। सो गाइज, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए, और देखने के लिए आपका धन्यवाद।